बिजली की बात करूं तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई तो वही 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाना है तो वही 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों अगर मैं युवा की बात करूं तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं तो लगभग 1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है, ये हमको याद रखना चाहिए। देश की बात करें तो नोट कीजिएगा कि हमारा GDP 13% बढ़ा और हम दुनिया में आज जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर पर सोलर पावर एनर्जी के रूप में खड़े। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6.6 लाख करोड़ भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया मंदी में जा रही है, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी हमको याद रखना। इसलिए मित्रों हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट वो भी हमारा 88% बढ़ गया है। एक समय में हम औजार और आर्म्स खरीदते थे, अब हम 88% बना रहे हैं और दुनिया के देशों को भी दे रहे हैं। ये ताकत भारत की आई है 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों इसलिए हर दृष्टि से अब कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ, धर्मेंद्र जी कैबिनेट में थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई 10,000 करोड़ रुपए स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए लगेंगे और भुवनेश्वर का भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, एक नई ताकत के साथ खड़ा किया जा रहा है, एक एयरपोर्ट जैसा एक अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा, ये काम चला। हम लोग एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोदय की बात करते हैं, पूर्व का उदय होने की बात करते हैं। इसके लिए अगर मैं कहूं तो अभी 220 करोड़ रुपए की सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन में उड़ीसा में, इसमें 220 करोड़ रुपए खर्च होकर के उसको इनॉग्रेट किया गया है। और कमर्शियल गैस का, ऑयल और गैस का महानदी बेसिन में जो काम है वो चल पड़ा है। उसी तरीके से इनॉग्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, 2 नए आयरन ओर उड़ीसा में वो अभी कमीशन हुए हैं और उस पर भी काम हुआ है। एक है चिलिंग लांगलोट और दूसरा है ग्वाली आयरन ओर, मैं ठीक नाम ले रहा हूं धर्मेंद्र जी? तो ये दोनों जगह पर आयरन ओर का काम चल रहा है और 15 लाख टन आयरन ओर प्रति माह यहां से निकल रहा है। 275 मिलियन टन कंसोलिडेटेड आयरन ओर इनकी रिसोर्सेज है, ये हमको समझने की जरूरत है। मित्रों एकलव्य स्कूल में भी 87 स्कूल उड़ीसा में बन रहे, देश में सबसे ज्यादा एकलव्य स्कूल बन रहे हैं उड़ीसा में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर, उसी तरीके से 3,373 करोड़ का ग्रांट जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने माता
प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा को दिया है 3,323 करोड़ रुपए। वैसे ही मित्रों, संबलपुर में अगर हम बात करें तो IIM का कैंपस बन रहा है 200 एकड़ की जमीन पर, और इसका बजट 401 करोड़ रुपए का है। यानी संबलपुर में अब IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस तैयार हो रहा है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बरहमपुर में बन रहा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर में शुरू हुआ है और उसकी लागत 1,582 करोड़ रुपए है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 222 अप्रैल में, यह भी इसको भी शुरू किया गया है और इसमें भी कार्य चल रहा है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं, अभी मैं समीर जी से बात कर रहा था कि उड़ीसा की अस्मिता के बारे में, उड़ीसा के बारे में किसने चिंता की? आप बताइए, भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज किसकी सरकार लेके आई थी? अटल जी की सरकार लेकर के आई थी। आप बताइए, IIM मोदी जी ने आपको दिया। आप बताइए, साइंस क्या इंस्टीट्यूट मोदी जी ने दिया, मेडिकल कॉलेजेस की छड़ी लगा दी। और उसी तरीके से 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है। उसी तरीके से 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1,214 किलोमीटर की नई नेशनल हाईवे बन रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसके तहत भी काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, एक नए विकास की कहानी आज उड़ीसा लिख रहा है। मैं उड़ीसा की अस्मिता की बात कर रहा था। आप लोगों, कितना सौभाग्य की बात है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी अब उड़ीसा की धरती से बन कर गया। ये मोदी जी का उड़ीसा के प्रति प्रेम है। 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड, कभी सोचा नहीं था कांग्रेस के जमाने में चुने हुए अपने लोगों को रेवड़ी बांटी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव गरीब, जिसने देश की सेवा की है, जिसने समाज की सेवा की है, जिसने भाषा की सेवा की है, जिसने कला की सेवा की है, जिसने लोक नृत्य की सेवा की है, ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड देने का काम किया। और उड़ीसा से भी 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड आपको मिले हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।